मुश्किल होता है टीम्स के लिए, क्योंकि टीम्स अगर कवर्स पहले से लेके बैठी हैं आपके लिए मुश्किल हो जाता है वो कंपाउंड्स को चैलेंज करना। बट यहाँ पे INF के सुनामी पावर हाउस के प्लेयर्स को सपोर्ट करते हुए जीब्रा के ऊपर शॉट्स कनेक्ट हुए थे इनके, बट नॉकडाउन नहीं मिला। जीब्रा के रिएक्शन जो थे बिल्कुल ऑन पॉइंट थे वहां पे और सर्वाइव कर जाते वो इस सिचुएशन में, बट सुनामी की तरफ से ये नेड आता हुआ जीब्रा वापस अपनी व्हीकल में घुसेंगे और अपनी यूएस घुमा के अपनी टीम के साथ रिग्रुप करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत कम हो गई थी। बट आइकॉनिक का कवर फायर आता हुआ सुनामी को नॉकडाउन करेगा। जीब्रा जो है वहां पे हील अप करके कोशिश करेंगे अपनी टीम के साथ ये फाइट रीएंगेज करने की। इतनी देर में नोवा किंग और डार्क भी यहां पे आ चुके हैं। एक एक्सपीरियंस टीम आप लोगों को यही करते हुए नजर आएगी जब आपका एक नॉक निकलता है तीनों प्लेयर बाकी क्या करते हैं पुश, एंड यहीं पे बाकी तीन प्लेयर दिखेंगे। ज़ेब्रा यहां पे एक क्लोज एनकाउंटर की कोशिश स्टार्ट कर चुके हैं, एक ग्रेनेड यहां पे फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, बट आइकॉनिक को भी एक काउंटर ग्रेनेड आया, ज़ेब्रा के ऊपर भी ग्रेनेड आया, एक बैंडेजेस पॉप इन करने की कोशिश बिकॉज़ फोर स्टेट्स यहां पे नहीं है इनके पास। क्या INF टक्कर दे पाएगी एक एक्सपीरियंस पावर हाउस के स्क्वाड को? यहां पे एक डिप है INF के पास, बट यहां पे डार्क ने एक कनेक्ट कर दिया सुनामी के ऊपर। अब ये वाली फाइट आ जाती है 3 vs 4 बिकॉज एक प्लेयर ऑलरेडी डाउन है ऑन हिज नीस। एविस्टर अपने आप को 75% HP कर लेंगे, बट पावर हाउस का स्क्वाड क्या फॉल बैक करेगा? बट ये वाली फाइट जोन के अंदर है अभी, उनको चाहिए 4 kill, मल्टीपल ग्रेनेड्स और फेंकने की कोशिश करनी चाहिए, बट वहां पर नॉक निकाला है वापस से 9 seconds और देना नहीं चाहेंगे। बट माफिया एक और यहां पे INF के नॉक डाउन होते हुए आइकॉनिक ने नॉक करा है, वो डैमेज अपना बढ़ाएंगे जरूर, बट ये वाला ग्रेनेड एविस्टर का आइकॉनिक को नॉक डाउन करेगा। नोवा किंग भी नॉक डाउन, ज़ेब्रा नॉक डाउन, डार्क विल बी लास्ट मैन स्टैंडिंग ओवर देयर फॉर पावर हाउस। अविस्टर का ग्रेनेड जो जाता है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर बनता है इस वाली फाइट का। डार्क पर यहां पे क्या रिवाइव दे पाएंगे? इतना मौका नहीं मिलेगा उनको बिकॉज अविस्टर और उनके बाकी टीममेट्स बिल्कुल चढ़ते हुए नजर आएंगे। INF का स्क्वाड एक एक्सपीरियंस पावर हाउस के स्क्वाड के ऊपर पूरा चढ़ते हुए, डार्क को वापस से थोड़ा डैमेज पड़ा, 50% HP है, रिवाइवल अब देना ही पड़ेगा बिकॉज अगर करो या मरो वाली बात है। पीछे अभी भी माफिया को रिवाइव दिया जा रहा है, अब देखते अविस्टर थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करेंगे, बट रिवाइवल यहां पे हो चुका है सक्सेसफुल। बट ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग रही है INF वर्सेस पावर हाउस। आइकॉनिक हो चुका है रिवाइव, बट ग्रेनेड्स क्या यहां पे फेंके जाएंगे? पावर हाउस के डार्क ने 2 और स्मोक्स अपने सामने फेंके हैं जस्ट फॉर द कवर। सुनामी वापस से प्रोन डाउन हुआ, राइट साइड से आ रहे सुनामी, लेफ्ट हैंड साइड से अविस्टर, अब दोनों साइड से यहां पे टारगेट करने की कोशिश चल रही है, बट यहां पे पावर हाउस जैसी एक जो वेटरन टीम है उनको सबसे पहला एग्जिट दिया है इस गेम से।